मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाना आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि हम अपने शहर को स्मार्ट बना सकें। गोरखपुर ने सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया है। इससे गोरखपुर भी स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करेगा। उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया, गोरखपुर न्यूज़लेटर का विमोचन किया और 34 सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश और शहर स्मार्ट लगे। हमें दुनिया की ओर नहीं देखना पड़े, बल्कि दुनिया हमारे शहरों से सीखे। शहरों को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है, ताकि वह जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ईज ऑफ लिविंग के लिए शहरों को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 वर्ष पूर्व ही कहा था कि शहरों के पास इसका एक मॉडल होना चाहिए। गोरखपुर ने सेफ सिटी के मामले में उत्कृष्ट कार्य किया है। यहां समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हजारों कैमरे लग गए हैं। एक दिन का भी कहीं उठेगा तो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोग कचरा सड़क पर फेंक देते थे, लेकिन अब CCTV कैमरे से वे पकड़ में आ जाएंगे। CM योगी ने गोरखपुर में 2-लेन और 4-लेन सड़कों की श्रृंखला का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार 50 साल की गारंटी वाली सड़कें बनवा रही है। उन्होंने कहा, टाउन हॉल से होते हुए रेती रोड, गीता प्रेस तक, आर नगर, धर्मशाला आदि क्षेत्रों की सड़कें भी चौड़ी की जाएंगी। साथ ही हाबड़ बंधा माधोपुर तटबंध से चौड़ा करते हुए इसे सोनौली मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। HN सिंह चौराहा से हड़ावा फाटक होते हुए गोरखनाथ मंदिर तक की सड़क भी 2-लेन 4-लेन होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी गुड़धुइया नाला की वजह से आधे शहर के नाले जाम हो जाते थे, आज उस नाले का रामगढ़ ताल की तरह ऐसा कायाकल्प हो रहा है कि वहां लोग सेल्फी लेने जाएंगे। इसके दोनों तरफ पौधरोपण कर इसके आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहर की सुंदरता में रामगढ़ ताल की चर्चा करते हुए कहा कि जो रामगढ़ ताल 7 साल पहले गंदगी और अपराध का गढ़ था, जिसके समीप सर्किट हाउस में किसी VIP को ठहराने से पहले PSC लगानी पड़ती थी, वो आज सेल्फी और शूटिंग के केंद्र बन गया है। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन इस ताल के पास मकान बनवा कर रह रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, सदर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल, अंजू चौधरी, डॉक्टर सत्या पांडे, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर निगम के उपसभापति धर्मदेव चौहान सहित प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और MLC, मैं उनका स्वागत करता हूँ। माननीय विधायक सहजनवा आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह भाई साहब, आदरणीय श्री राम चौहान जी, विधायक खजनी, आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक कंपियरगंज, श्री राजेश त्रिपाठी भाई साहब, विधायक चुल्लूपार, आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधायक पिपराइच, आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व महापौर आदरणीय श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय विश्वेश सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, उपसभापति आदरणीय धर्मदेव चौहान जी, देवियों, सज्जनों, अतिथियों, हमारे नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी महाराज जी का आगमन उनकी कर्मभूमि गोरखपुर में होती है, तब हम लोगों की स्थिति वही रहती है कि जो छोटे बच्चों की होती है, उनको अभिभावक से बहुत कुछ मिलने वाला होता है। आज इसी क्रम में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है और कई गाड़ियों को जो है हम लोग आज हरी झंडी दिखाकर महाराज जी रवाना करेंगे। इस क्रम में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा
राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास आज होना है, नगर निगम टाउन हॉल के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य होना है, ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज शिलान्यास होना है, सादर लोकार्पण होना है और त्वरित आर्थिक विकास योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें 114 करोड़ रुपए की लागत से महानगर की विभिन्न 94 सड़क व नालियों का निर्माण कार्यों का शिलान्यास होना है। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इन सबको संक्षेप में करते हुए, बहुत सारे नाली निर्माण हो चाहे वो जो भी हो विकास के कार्य हो, आज यहाँ से उनके शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए और वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। 34 वाहन से लेके 500 करोड़ का आज सौगात, महाराज जी सौगात हमेशा खाली हाथ आमना है। महाराज जी चंदौली से लेके, आजमगढ़ से लेके बनारस, कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, शिव जी के त्रिशूल के साथ बड़ा वायरल हुई, ऐतिहासिक सभा करते हुए भी आजमगढ़ होते हुए कुशीनगर से महाराज जी आके अब तुरंत लखनऊ निकली है। ये जो शक्ति है, जो चुनाव का माहौल है महाराज जी, लेकिन हम सबसे कह सब गाना कि महाराज जी, हम बोले महाराज जी 365 दिन इसी मोड में थे। कोरोना काल में भी महाराज जी ऐसे थे, जब 25 साल विपक्ष में थे महाराज जी तब भी महाराज जी ऐसे थे, आंदोलन बार बार करते थे, ये गोरखपुर, ये इमारतें, ये सड़कें, ये नदी, आज गोरखपुर को लोग 5-स्टार शहर कहता है। लेकिन इस कहता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, 5 साल में सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मेरे आंखों के सामने लाखों करोड़ रुपया यहां पर निवेश हुआ पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्रीय योजनाओं से ही गोरखपुर बदल गया। लेकिन 2017 के पहले का गोरखपुर जरूर सबको याद दिलवाइएगा। ये सौगात तो मेरे याद अनगिनत सौगातें हैं, आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सौगात है, वैन की है, रिसाइकलिंग की, बहुत सारी चीजें हैं जो एक अद्भुत शहर बनता जा रहा है। बायो प्लांट आपने देखा होगा परसों महाराज जी बांसगांव में किए, ऐतिहासिक है कि अब पराली जलाना नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना, उसको अब एक अलग चीज, एक बायोगैस स्टेशन बन जाएगा और महाराज जी पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं। आज आजमगढ़ का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा रोजगार, सब कुछ, 10 लाख करोड़ का निवेश अभी आया, 32 लाख 34 लाख करोड़ का निवेश और धरती पे आएगा। कल एनसीसी वालों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा 10 एकड़ का, उसके पहले पशुपालन के लिए, पशु को उनको इलाज के लिए, वेटरनिटी के अच्छी नस्ल के जानवर कैसे, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का ग्रामीण बिल किया, सैनिक विद्यालय बनलवा, अटल आवास विद्यालय बनलवा, ये सारी चीजें गिनवाना है हम लोगों को चुनाव में, एक एक चीजें, क्योंकि लाभार्थी इस डबल इंजन की सरकार में हर जन पड़ा हुआ है, हर आदमी, हर जात, हर बिरादरी, छोटी बड़ी, हर जात, जो वोट नहीं देता वो भी लाभ पाए, ये अद्भुत है। यही भारतीय जनता पार्टी और यही जनवाना, एक एक व्यक्ति को निकलना, 370 वोट हर बूथ पे निकल हम लोगों को बढ़ाना है। मोदी जी और पूज्य महाराज जी का ये दिशा निर्देश है, 370 वोट बढ़ना, वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना। जीत है, जीत होगी, वो सारी बातें अब दूर है, अब भारतीय जनता पार्टी को विकसित भारत बनने के लिए वो शेयर बढ़ाना, और ये नया मंत्र मिला है, 370 वोट हर बूथ पर, पार्षदगण है यहां पर, बहुत बड़ी शक्ति यहां बैठी, बहुत सारे मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हैं यहां पर, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, बस यही शब्दों के साथ मैं एक बार चाहूंगा आप लोग भारत माता की जय नाभि से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एवं नगर निगम की गोरखपुर की पूरी टीम का हम सभी धन्यवाद देते हैं और इसी क्रम में मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर महिलाओं को एवं उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान उपहार के द्वारा उन्हें सम्मानित करें। इस हेतु हम आमंत्रित करेंगे सर्वप्रथम शिवजी स्वयं सहायता समूह से शकुंतला जी को, मोहनापुर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ आप सभी इनका उत्साह वर्धन करें। इस हेतु डिंपल शुक्ला जी को,
नेक्स्ट हमारे आज के इस कार्यक्रम में शकुंतला जी के उपरांत आमंत्रित करेंगे नव प्रेरक राधे स्वयं सहायता समूह से डिंपल शुक्ला जी, वाइफ ऑफ गौरी शंकर शुक्ला जी कृष्णानगर से। नेक्स्ट नागेंद्र कुमार जी जलकल विभाग जोन नंबर 4 से। नेक्स्ट राजू गौर जी स्वास्थ्य विभाग से छिड़काव हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। अमित तिवारी जी सफाई सुपरवाइजर जोन नंबर 07 स्वर्गीय विजय तिवारी जी के पुत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद देते हुए सादर अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज नगर निगम की विभिन्न प्रकार की 482 करोड़ रुपए की लागत की कुल 253 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम तालियों के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगण का उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का NCAP एवं स्मार्ट राज्य सिटी जल निकासी एवं सीवर त्वरित आर्थिक योजना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आदि से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण। नगर निगम गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री धर्मदेव चौहान जी, सभी पार्षदगण, नगर निगम से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित यहां पे बहनों और भाइयों, एक साथ गोरखपुर नगर निगम से जुड़ी भी इन विभिन्न परियोजनाओं के लिए मैं यहां के महापौर को, उपसभापति को, सभी पार्षदों को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इनमें से गोरखपुर भी अब स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को कह पाएगा। बहुत बड़ी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, हमारा देश भी और हमारे शहर भी स्मार्ट लगे। हमें दुनिया की तरफ मुंह ना देखना पड़े बल्कि दुनिया भारत से हमारे शहरों से सीख सके। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहे हैं, इनका सबसे जुड़े हुए प्रोग्राम है, जिनमें 50 TDP क्षमता का CNT वेस्ट प्रोसेसिंग का एक कार्यक्रम जो आपका महेश्वरा में स्थापित हुआ है, उसका कार्यक्रम 200 TDP क्षमता की स्मार्ट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन आपका लाल डिग्गी में स्थापित हुआ है, और ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी की सफाई, सिटी की स्ट्रीट लाइट, सिटी की पेयजल की व्यवस्था का तो वहां से नगर निगम अवलोकन कर ही लेगा एक बड़ी सी स्क्रीन में, साथ साथ गोरखपुर सिटी की ट्रैफिक और गोरखपुर सिटी की सुरक्षा यह भी एक जगह से बैठ बैठ करके आप मॉनिटर कर पाएंगे। इस अत्याधुनिक सुविधा के लिए नगर निगम
परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के समय में हम तकनीक अपनाएं और उस तकनीक का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, स्वयं को भी स्मार्ट बनाने के लिए और अपनी सिटी को भी, हमारी सिटी के बारे में लोग अच्छी धारणा बनाए, ये हमारा दायित्व बनना चाहिए। मोदी जी की यही प्रेरणा है, मोदी जी का यही संकल्प है। आज अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायक हो सकती हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों गरीबों के आवास बने। अकेले उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के आवास बना लिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ जो शहरी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट की प्रोसेसिंग और उनकी कैसे हम उस गार्बेज को सिग्रीगेट करें और फिर उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, यह कार्य एक चुनौती बना हुआ था। और मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने इस संकल्प को आगे बढ़ाने के तहत आज अपने 2 महत्वपूर्ण प्लांट भी स्थापित किए और सेफ सिटी के रूप में भी अपने को दर्ज किया है। यानी सेफ सिटी, माननीय उच्चतम न्यायालय 8 वर्ष पहले कहा था हर शहर के पास एक मॉडल होना चाहिए सेफ सिटी का, और गोरखपुर ने, नगर निगम ने, पुलिस ने, सभी ने मिलकर, प्रशासन ने, सब ने मिलकर के व्यवस्था की। यहां के व्यापारियों ने भी, यहां के सामान्य नागरिकों ने भी, बैंकर्स ने भी, सब ने योगदान दिया। हजारों कैमरे गोरखपुर में लगे और परिणाम क्या है, एक दिन का भी कहीं उठेगा ना, पता लग जाएगा कहां से उठा है, उसकी फोटो सामने आएगी। अगर कभी जल्दीबाजी में रवि किशन जी चाहेंगे कि मैं फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, पता लगा वो सब अगले साथ सब पीछे पीछे चालान भी उनका पहुंच जा रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। अभी इन दोनों में यही चर्चा चल रही थी, सीताराम जी में भी और उनमें, कि भाई फिल्मों की शूटिंग करने के लिए सीताराम जी कह रहे थे कि मैं नायक बनूंगा, आप खलनायक बनिए लेकिन वह उल्टा कह रहे थे। सीताराम जी कह रहे थे अब तो कम से कम मेरा लिहाज करो, अब तो मैं कम से कम प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। और वह नायक बनने के लिए आज भी उतावले हैं, और मुझे लगता है कि रवि किशन जी को उनकी फरमाइश को पूरा करना चाहिए। लेकिन फिल्मों की शूटिंग के बहाने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन न हो, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, सिटी के अंदर अक्सर क्या होता था, लोग घर में अपना घर का पूरा कचरा निकाल करके जितना भी घर का कूड़ा होता था उसको फेंक देते थे सड़क में, सीसीटीवी कैमरा पकड़ लेगा। और पार्षदगण इस बात के लिए गांव में स्वच्छता समितियों का गठन करके नगर निगम के माध्यम से महापौर जी के साथ मिलकर के उनकी बैठक करिए, लोगों को बोलिए कि जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, वहीं पर कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई को करें। भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ट्रैफिक की व्यवस्था, अधिक से अधिक खुलापन, लोगों को बेहतरीन सुविधा, ये कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। और इसमें जनसहभागिता जितनी हो सकती है, वृक्षारोपण, इस बार जब गुड़दोबा नाला पूरा तैयार हो जाएगा, जब दोनों तरफ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए, हरा भरा देखना चाहिए। और मैं सभी पार्षदों से कहूंगा हर वार्ड में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए। हमारा शहर केवल कंक्रीट का एक जंगल नहीं दिखना चाहिए, हरा भरा भी दिखना चाहिए, शुद्ध भी दिखना चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे कार्यकाल को यादगार करेंगे। जैसे सीताराम जी के समय में पिछले बोर्ड ने नगर निगम भवन के लिए यहां आह्वान किया था, आज नगर निगम के पास इतना भव्य भवन है, इतना शानदार भवन किसी के पास नहीं है, अभी याद रखना नगर निगम का। और यहां पे ICCC भी लग गया है, बहुत तो अच्छा हुआ कि आपका नगर निगम का यहां पे कार्यालय बन गया है, नहीं तो बहुत सारे लोगों की नजरें लगी हुई थी।
और मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा। लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, इसमें मोहल्ले की सड़कें भी हैं, इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी है, इसमें सेवर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी है, इसमें ICCC का भी है, यानी सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के समय गोरखपुर नगर निगम भी अब सफलता प्राप्त कर लिया है, और साथ साथ सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेट करने के साथ साथ उसके प्रोसेसिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम एक साथ हुआ है। इन सब के लिए नगर निगम परिवार को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इसका लाभ मिलेगा, नगर निगम के द्वारा और सभी संबंधित विभागों के द्वारा होली के पूर्व महानगर वासियों को एक उपहार है। इसके लिए सभी पार्षदों को भी हृदय से बधाई, महानगर वासियों को भी बधाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि गोरखपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।